लौकी और चना दाल अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे चना दाल का तड़का बनाते हैं ना दाल तड़का वैसे आता है और बहुत ही कम तेल में तेल क्या एक चम्मच घी में आप इसे बना सकते हैं जो कि खाने में भी टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा और इसे आप जीरा राइस या फिर नॉर्मल राइस के साथ सर्व कीजिए या पराठा के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अगर कम स्पाइसी बनाएंगे तो ये आप बच्चों को भी दीजिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगेगा तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाला ये दाल तो इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश लौकी फ्रेश रहेगा तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो छोटा वाला जो लौकी होता है उसमें से मैंने आधा बारीक काट लिया है और एक कप चना दाल चना दाल को मैंने बस पाँच मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ है धोने के बाद और कद्दू को देखिए कद्दू भी बोलते हैं इसको बहुत जगह और लौकी भी बोलते हैं तो इसको मैंने बारीक काट लिया है और बिल्कुल ये फ्रेश है और बीज वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो ऐसा लौकी लाइए जिसमें बीज नहीं हो और अगर आप दाल को सोख करना भूल जाते हैं फिर भी ये आप बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर इसको भिगो कर नहीं रखना है तीन से चार मिनट बस कुकर में कद्दू डालेंगे लौकी फिर चना दाल जो हमने रखा हुआ था सोख करके उसको डालेंगे अगर आप सोक नहीं करेंगे तो एक दो सीटी ज़्यादा लगेगा बट वो कुक हो जाएगा तो अगर आप भूल जाते हैं फिर भी ये सब्जी आप बना सकते हैं अच्छे से फिर एक इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है और दो लहसुन की कली अब इसमें डालेंगे पानी पानी बस जितना दाल और कद्दू है लौकी उसके एक इंच ऊपर तक डालना है फिर लहसुन की कली दो डालेंगे जो अदरक हमने लिया था उसको ग्रेट कर लेंगे उसको डालेंगे फिर डालेंगे टमाटर एक कुछ भी इसमें ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है बहुत ही आसान तरीके से यह बनेगा एक तेजपत्ता और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार जितना दाल और सब्जी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिए और हल्दी पाउडर बस और कुछ भी इसमें नहीं डालना है अब कुकर को बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटी आने तक कुक कर लेंगे जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको खोलेंगे तब तक तड़का इसका रेडी करते हैं कढ़ाई गरम करेंगे फिर डालेंगे उसमें वन टेबल स्पून घी आप ऑयल भी डाल सकते हैं अब डालेंगे जीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप इस तरह से तड़का में लहसुन बारीक काट के ज़रूर डालिए और एक हरी मिर्च अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं आप यहाँ पे सूखी वाली लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा सौते करने के बाद बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है नहीं तो लहसुन जल जाएगा उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था उसको डालेंगे इस दाल में इसको दाल भी आप बोल सकते हैं सब्जी भी बोल सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है या फिर घी बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम सामान में आप इसे बना सकते हैं ऐसे कद्दू या लौकी सबको पसंद नहीं आता है और दाल तड़का तो सबको पसंद आता है तो आप इस तरह से चने दाल के साथ ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अब डालेंगे इसमें नमक हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है नमक डालने में थोड़ा सा और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने दाल जो बॉईल किया था उसमें भी नमक डाला हुआ है तो बस मसाला के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालना है अब सूखा मसाला मैंने लिया है रेड चिली पाउडर काली मिर्च पाउडर गरम मसाला और वन टेबल स्पून मैंने मीट मसाला लिया है अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल मसाला भी डाल सकते हैं उसको मैंने पानी में घोल लिया और फिर डाला है ताकि मसाला जले नहीं और प्याज भी साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा आप सूखा मसाला कभी नहीं डालें ऐसे उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं ना तो उससे मसाला बहुत अच्छे से भूनता है जलता नहीं है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हल्का सा कसूरी मेथी डाल देंगे इसको भी साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आप दाल पहले से बॉईल करके रख सकते हैं और ये तड़का लगाइए उसके बाद गर्मा गर्म सर्व कीजिए देखिए दाल हमारा रेडी है अब इसमें से एक खरा मसाला जो हमने डाला था तेजपत्ता दालचीनी का टुकड़ा वो निकाल लेंगे और टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो उसको भी साइड कर लेंगे और बाकी दाल और लौकी इस तड़के में डाल देंगे और पानी आपको जितना गाढ़ा खाना है दाल उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चपाती के साथ खाना है या फिर राइस के साथ देखिए कलर बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से पानी थोड़ा सा और डाल लेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा लग रहा है अभी ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद इसको ढककर तीन से चार मिनट तक पकने देंगे जिससे कि मसाला का फ्लेवर दाल में अच्छे से आ जाएगा देखिए कलर भी चेंज हो गया है इसका अब डालेंगे इसमें फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिससे कि इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा हरा धनिया तो इंडियन खाने की जान होती है तो वो तो डालना बनता है और बस ये दाल रेडी है आप हरा धनिया डालने के बाद इसको ढककर कर पाँच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए फ्लेम को ऑफ करके बस अब कलर देखिए दाल का कितना बढ़िया आया है और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब तो आप इस तरह से दाल और लौकी जरूर बनाइए इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्जी या फिर दाल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है सब्जी और दाल एक साथ ही बन जाएगा गर्मा गर्म स्टीम राइस जीरा राइस या फिर पराठा या चपाती के साथ सर्व कीजिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये और इसमें जो मैंने मीट मसाला डाला है ना उससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है तो अगर आपके पास है तो आप मीट मसाला डालकर ही बनाइए अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल मसाला भी यूज कर सकते हैं इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं आप जो मसाला डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका फ्लेवर आएगा देखिए देखने में टेस्टी और खाने में भी और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी भी होता है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आपके घर में सबको जरूर पसंद आएगा बड़ों को तो पसंद आएगा ही और बच्चों को भी आप इसे राइस के साथ दे सकते हैं थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाकर तो वो भी जरूर खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है नॉर्मल दाल चावल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में तो अलग से वो सब्जी भी नहीं चाहते हैं खाना कद्दू तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं खाना तो आप इस तरह से दाल में लौकी मिक्स करके ज़रूर बनाइए और उनको दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन को हिट कर लीजिएगा